हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे लौकी का बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी नाश्ता। जो वेट लॉस के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए ये नाश्ता बहुत ही ज़बरदस्त है। वैसे तो आप इसे लंच डिनर कभी भी खा सकते हैं। लौकी का नाम सुनते ही सबका मुंह बन जाता है, लेकिन इसे खिलाने के बाद लोग आपसे मांग मांग कर खाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा लौकी लिया है और इसे हम छील लेंगे। सबसे पहले इसका जो छिलका है उसे उतार लेंगे और इसे अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद इसे हमें कद्दूकस कर लेना है। तो अगर लौकी सूखी हुई हो और उसका जो बीज है वो ज़्यादा कड़क हो तो सिर्फ ऊपर का ही पार्ट ले और अंदर का पार्ट डिस्कार्ड कर दे। तो जो बारीक वाला कद्दूकस है उससे हम कद्दूकस कर लेंगे। वैसे तो आप मोटे से भी कर सकते हैं, लेकिन जो इसके लच्छे बनकर तैयार होंगे वो बारीक वाले से ज़्यादा अच्छे दिखते हैं और खाने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो देख सकते हैं मैंने इसे कद्दूकस कर लिया है और इसका जो अंदर का पार्ट है उसे हम डिस्कार्ड कर लेंगे, यानी हम इसका बीज नहीं लेंगे। तो बस मैंने इसे कद्दूकस कर लिया है। अब मैंने ले लिया है एक मिक्सिंग बाउल और इसमें ऐड कर लेंगे। सबसे पहले हमने जो कद्दूकस करके रखा हुआ है लौकी उसे ऐड कर लेंगे। साथ ही साथ एक मीडियम साइज़ का प्याज, इसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, इसे भी ऐड कर लेंगे। 2 से 3 हरी मिर्ची को बारीक काट लिया है, उसे भी ऐड कर लेंगे। और उसके साथ ही ले लेंगे 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है और इसे भी ऐड कर लेंगे। इसमें इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। और 1 मुट्ठी ले लेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो कि मैंने अपने गार्डन में उगाया था। इसकी खुशबू पूरे किचन में आ रही थी, ऐड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 चम्मच मैंने शिमला मिर्च को बारीक बारीक काट कर ऐड कर लिया है। ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, बट आप ऐड करिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसके साथ गाजर भी ऐड कर सकते हैं। साथ में ले लेंगे 1 बाउल बेसन और 2 चम्मच ले लेंगे चावल का आटा। इसके टेस्ट को एनहेंस करने के लिए अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक ये मैंने काला वाला लिया है, आप जो नॉर्मल नमक खाते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 चम्मच चाट मसाला और थोड़ा सा इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है जो कि तीखी वाली नहीं है, 1/2 चम्मच, और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे। साथ में 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर जो कि बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग सा फ्लेवर देता है, और 1/4 चम्मच यहाँ पर मैंने काले मिर्च का पाउडर ऐड कर लिया है। 1/4 कप अब ऐड कर लेंगे पानी, क्योंकि लौकी में काफ़ी हद तक पानी होता है और ये लौकी बिल्कुल भी फ्रेश थी तो इसमें काफ़ी पानी था, इसके लिए मैंने 1/4 कप ही ऐड किया है। बस इसे मिक्स कर लेना है इस तरह से अच्छी तरीके से। तो अगर लौकी सूखी हुई हो या फिर बैटर ड्राई लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो इसे अच्छी तरीके से मैंने इस तरह से मिक्स कर लिया है और अब डाल देंगे हम 1 चम्मच तेल। तेल डाल के इसे मिक्स कर लेना है। तो ये नाश्ता बहुत ही कम तेल में बनकर तैयार हो जाता है, साथ ही साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब साइड में यहाँ पर मैंने पैन रख दिया है गर्म होने के लिए। तो जैसे ही पैन गर्म होता है इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा तेल। तो ये 1 चम्मच से भी कम तेल है और इसको इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे, फैला लेंगे पूरे तवे पर। और उसके बाद 1 चम्मच बैटर लेकर एक ही जगह पर डालेंगे, ज़्यादा इसको फैलाना नहीं है, बस लेवल में कर देना है और प्लेन कर देना है शेप में इस तरह से। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरीके से फैला लिया है। अब इसको ढककर हम स्लो आंच पे 2 से 3 मिनट एक साइड से पका लेंगे। स्लो आंच पे ये जल्दी कुक हो जाता है, साथ में इसके न्यूट्रिशन भी डिस्ट्रॉय नहीं होते। तो बस एक साइड से ये सिक चुका है तो हम इसे पलट लेंगे और दूसरी साइड भी 2 से 3 मिनट के लिए ढककर सेक लेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा तेल इसमें डाल देंगे। तो बस इसे हम ढक देंगे और 2 मिनट के बाद ये देख सकते हैं हमारा जो दूसरा साइड है वो भी अच्छी तरीके से सिक चुका है। तो इसे हम पलट के चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये बहुत ही अच्छी तरीके से दोनों साइड से कुक हो चुके हैं। बस अब हम इन्हें निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो ये देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आया है, साथ ही साथ ये सॉफ्ट भी है तो खाने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। और हम बाकी बचे जो बैटर है उसको भी इस तरह से एक एक स्पून करके तवे पर ऐड कर लेंगे और शेप देते हुए इसे ढक कर कुक कर लेंगे सभी चीले को। तो देखा आपने ये इसे बनाना कितना आसान है, घर की ही चीज़ों से बनकर ये तैयार हो जाता है, साथ ही साथ ये इतना टेस्टी लगता है कि हफ्ते में इसे आप 2 से 3 बार ज़रूर बनाकर खाएंगे।
हेल्दी और टेस्टी भी, साथ ही साथ झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। तो देख सकते हैं हमारा सॉफ्ट, मुलायम और बहुत ही टेस्टी चीला बनकर है तैयार। इसे आप सर्व कर सकते हो दही या फिर हरी चटनी के साथ। वो पुदीने वाली चटनी होती है, उसके साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करना ना भूले। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, यूज़फुल हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। तो देख सकते हैं आप ये कितना सॉफ्ट और जो लौकी के बारीक बारीक लच्छे हैं, दिखने में ही बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और दही के साथ तो बहुत ही यम्मी लगता है। तो चलिए मिलते हैं किसी और रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।